गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, सुप्रभात। इससे पहले मई माह में जो ऑनलाइन हमारी क्लासें चलती थी यूट्यूब के माध्यम से, उनको हम आगे बढ़ा रहे हैं। और ठीक है, आज से या कल से, ठीक है, आप सभी को फिर से उसी तरह के वीडियो जो हैं वो मिलना शुरू हो जाएंगे। सो आज का जो ये वीडियो है, ये सभी बच्चों के लिए है, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, सभी और सभी जितने बच्चे हैं सभी के लिए मैंने बनाया है, ठीक है। और बिल्कुल ध्यान से सुनना इस वीडियो को। इस वीडियो में हम बात करेंगे पढ़ाई के अलावा उस चीज की जो आगे आने वाले कुछ दिनों में हमारे काम आने वाली है। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि प्रत्येक जितने भी हमारे टीचर्स हैं, उन टीचर्स के द्वारा यूट्यूब के ऊपर आपको फिर से ऑनलाइन क्लासेस जो है वो शुरू की जा रही हैं, ठीक है। यूट्यूब पर आपको वीडियोस मिलेंगे और वहाँ से उन वीडियो को आप क्या कर सकते हैं, डाउनलोड करके और आप उनको देख सकते हैं। यानी कि पहला जो जिस तरह से हमने मई माह में पढ़ाया था, सेम उसी प्रकार का प्रोसीजर जो है वो हम कल से फिर शुरू कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज, ये तो पहला था जो कि पहले जो चल रहा था उसका जो नया इनोवेशन है हमारा वो क्या है, उस चीज को हम समझते हैं, ठीक है। यहाँ से हम एक नई चीज शुरू करना चाहते हैं कि ताकि बच्चे जो होते हैं, पिछली बार जो शिकायतें थी वो ज्यादातर क्या थी कि बच्चे YouTube के माध्यम से वीडियो को नहीं देख पाते हैं, ठीक है। अगर नहीं देख रहे हैं, कितने बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं, कितने नहीं जुड़े हुए हैं, इस चीज को समझाने के लिए, ठीक है, या इस चीज को हमने बिल्कुल एनालिसिस किया इस चीज का और पता लगा कि यहाँ पर अब भी बहुत सारे जो बच्चे हैं वो YouTube के माध्यम से हमारे वीडियो जो है वो नहीं देख रहे हैं, बिल्कुल निल हैं, उनके घर गए हैं हम, वो कोई मामा के गया हुआ है, कोई बुआ के गया हुआ है, ठीक है ना। तो वो आनंद की जो दुनिया थी उससे बाहर आके और आप अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से चलाइए। देखिए, जो वर्ल्ड एपिडेमिक है इसके बाद इसका नुकसान जो है वो आपको ज़्यादा ना हो, इसलिए अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, अपने आप को तैयार कीजिए पढ़ने के लिए, ठीक है। और उस मीनिंग को हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो मैं जो आपको बता रहा था वो क्या था, दूसरे नंबर का ऑप्शन। दूसरे नंबर का ऑप्शन क्या है हमारे पास, बहुत ही बेहतरीन है कि हम आपसे लाइव रूबरू रहेंगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको अपने प्ले स्टोर में जाके, जो आपका मोबाइल है उसके प्ले स्टोर में जाके आपको एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा और उस ऐप का जो नाम है वो ऐप जो है वो क्या नाम, किस नाम से है, वो है गूगल मीट के नाम से, राइट। गूगल मीट के नाम से वो ऐप होगा। इस गूगल मीट ऐप को जब आप इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है, हो गया, बहुत अच्छी बात है। तो इंस्टॉल होने के पश्चात प्रत्येक हर रोज, ये आपको सभी को करना है ये काम, ये आप गूगल मीट को इंस्टॉल कर लेंगे, उसके पश्चात 8 बजे से लेके और 11 बजे तक सभी अपने मोबाइल पे ऑनलाइन रहेंगे, ठीक है। सभी बच्चे अपने मोबाइल पे क्या रहेंगे, ऑनलाइन रहेंगे 8 बजे से और 11 बजे तक। जब तक आप ऑनलाइन रहेंगे तब तक आपको व्हाट्सएप के माध्यम से, किस माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से आपको एक URL लिंक भेजा जाएगा। कैसा, एक URL लिंक आपको भेजा जाएगा व्हाट्सएप के माध्यम से। और जब आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे, इसके ऊपर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही क्या होगा, क्लिक करते ही आपके पास क्या खुल जाएगा, ये गूगल मीट वाला जो था ये ऑलरेडी आपके पास स्क्रीन के ऊपर खुल जाएगा, ठीक है, जिसमें हम और आप बिल्कुल लाइव हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आस्क टू ऐड, इस तरह का एक, और इसके बगल में क्या आएगा लिखा हुआ, प्रेजेंट। इस तरह से आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है। आपको किस पे क्लिक करना है, आस्क टू ऐड पर क्लिक करना है। जब तब जब व्हाट्सएप के ऊपर आपने URL लिंक को क्लिक किया, खुल गया आपके सामने, तो उसके ऊपर सर आएगा आस्क टू ऐड, ठीक है। तो आप उसे आस्क टू ऐड को आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप और हम क्या हो जाएंगे, बिल्कुल ऑनलाइन हो जाएंगे। और उसी तरह से आपको एक क्लास, जिस तरह से ऑफलाइन क्लास लगती है,
उसी तरह का आपको एक अनुभव आएगा और आप हमसे रूबरू सवाल जवाब कर सकते हैं। कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है वो सारी चीज़ें आप पूछ सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या होगी कि जैसे ही आप इस स्क्रीन के ऊपर क्लिक करेंगे तो वॉइस वाला जो आता है, आवाज़ वाला जो ऑप्शन आएगा, तीन आएंगे इसी तरह से, इधर वाला जो वॉइस वाला है उसको आप क्या कर देंगे, म्यूट कर देंगे, उसको आप बंद कर देंगे ताकि मेरी आपको आवाज़ अच्छी तरह से सुन सके, ठीक है। तो इस तरह की प्रोसीजर हम शुरू कर रहे हैं। देखिए कितने कामयाब होते हैं और कामयाब ज़रूर होंगे यदि आप सब क्या रहेंगे, हमारे साथ रहेंगे, ठीक है। और आपका साथ बहुत ज़रूरी है, बहुत दिन हो गए आपको, काफ़ी दिन लंबा पीरियड चला गया, लगभग तकरीबन ये समझ लीजिए कि आप 20 मई से लेके और अब तक बिल्कुल घर बिल्कुल फ्री हैं, ठीक है। और खूब इंजॉयमेंट कर लिया आपने, घूम लिए फिर लिए, अनलॉक जो हो गया है, लॉकडाउन जो था वो भी अनलॉक हो गया और 17 मई से ही हो गया था वो, ठीक है ना। तो उसके या 31 मई से हो गया था, दो चरणों में हुआ था ये। तो उसके पश्चात से एक डेढ़ महीने तक आपने खूब इंजॉयमेंट किया है, अपने घर भी, रिश्तेदारी में भी जा। तो अब आपका समय है बिल्कुल पढ़ाई करने का, क्योंकि आप सभी 12th क्लास में हो चुके हैं और आप जानते हैं कि इस एपिडिक के कारण, ये जो महामारी है, इस महामारी के कारण इस साल आपकी क्लासें बहुत डिस्टर्ब होने वाली हैं और डिस्टर्ब रहेंगी। और शायद मेरे हिसाब से गवर्नमेंट के द्वारा अभी 2-4-5 दिनों में ये घोषणा भी कर दी जाए कि आपका जो सिलेबस है उसमें कटौती हो जाएगी। क्या हो जाएगी, उस सिलेबस में कटौती होगी और तकरीबन ये कटौती जो है वो 30% तक हो सकती है, ठीक है ना। तो आपके लिए ये बात इतने फायदेमंद भी है कि हमें 30% कम कर पढ़ना पड़ेगा, लेकिन नुकसानदायक भी है उन बच्चों के लिए जो इसके पश्चात जिन्होंने अपना एक एम बना रखा है कि मेरे को डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, ठीक है। तो ये 30% बहुत मायने रखता है वैसे तो, लेकिन अब इसमें हम और आप कुछ भी नहीं कर सकते, ये तो आप जानते ही हो। सो डियर स्टूडेंट, पढ़ाई में जुट जाइए, इधर उधर की बातें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये 30% अगर कम होता है तो साथ ही साथ हम इस 30% में से कुछ जो आपके काम की जो चीज़ें हैं उन्हें हम आपको ज़रूर बताएंगे, ठीक है। तो ये तो एक सामान्य जानकारी हो गई। इसके अलावा 12वीं की जो स्टूडेंट है, बायोलॉजी की जो स्टूडेंट हैं, उनको मैं आपको एक दोहरा देता हूँ, कल से हम यूट्यूब पर भी वीडियो डालते रहेंगे, चिंता मत करो। हो सकता है कि आप ऑनलाइन नहीं जुड़ पाए, आपको ये खेल समझ में नहीं आए, ठीक है, लूडो का खेल समझ में आ सकता है आपको नहीं, या फिर वो क्या बोलते हैं उसको, पबजी आपको समझ में आ सकता है, लेकिन शायद हो सकता है गूगल मीट आपको समझ में नहीं आए। तो उसके लिए भी हमने एक अल्टरनेट रखा हुआ है कि हम यूट्यूब पर भी वीडियो डाउनलोड करते रहेंगे और यूट्यूब पर भी आप क्या हैं वीडियो को देखते रहेंगे, ठीक है। तो दोहरा देता हूँ मैं उस चीज़ को जो आपने अब तक पढ़ी है, हमने जो पढ़ाया है आपको वो 4 चैप्टर पढ़ाए हैं, ठीक है, सॉरी। ठीक है ना, 4 चैप्टर पढ़ाए हैं, उन चारों चैप्टरों को, ठीक है, उन चारों चैप्टरों में हमने क्या क्या पढ़ाया है, तो उसमें हमने बोटनी से संबंधित जो है वो चीज़ें पढ़ी थी और पहली जो यूनिट थी उस यूनिट को हमने कंप्लीट कर दिया है। और उस कंप्लीट जो है आउट बीजी पार्कों में जो रिप्रोडक्शन जो होता है, रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मिक, ये हमने पढ़ा था। और इसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ा था कि पहले तो हमने टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन को पढ़ा, ठीक है, सेक्सुअल असेक्सुअल, ठीक है। इसके अलावा हमने उसके पश्चात गैमेट्स जो होते हैं, मेल और फीमेल जो गैमेट्स होते हैं उनकी फॉर्मेशन किस प्रकार से होती है, इस चीज़ को भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। उसके पश्चात हमने पोलिनेशन को पढ़ा, ठीक है, पोलिनेशन यानी कि मेल और फीमेल गैमेट्स जो होते हैं उनका आपस में फ्यूजन किस प्रकार से होता है वो चीज़ पढ़ी। अंत में हमने पादप जनन की कुछ विशिष्ट विधियां जो थी उनके बारे में पढ़ा, जैसे एकोमिक्सिस है, पोली एम्ब्रियोनी है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। इसके पश्चात यहाँ पर हम बोटनी के अलावा अगला जो चैप्टर जो शुरू करेंगे वो करेंगे जूलॉजी से संबंधित, ठीक है, और कोई भी टॉपिक हो सकता है, उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा,
वीडियो का, ठीक है। तो अगला जो टॉपिक हम शुरू करेंगे वो जूलॉजी से संबंधित, ठीक है, होगा वो। तो मेरी बात आपको समझ में आई होगी, आई होप आप सभी ऑनलाइन क्लासों का एंजॉय करेंगे। यूट्यूब के ऊपर जो भी वीडियो डाले जाएंगे उन्हें बिल्कुल समझ के पढ़ेंगे, शुरुआत करेंगे अपनी, क्योंकि आप जानते हो कि अभी बहुत समय लगने वाला है आपकी ऑफलाइन क्लासें चलने में। तो शायद मेरा जहाँ तक मानना है कि हमारी जो ऑफलाइन क्लासें हैं वो तकरीबन 15 अगस्त या उसके पश्चात तक शुरू हो सकती हैं एक क्रमबद्ध तरीके से, ठीक है। तो तब तक हमें सोशल मीडिया का, ठीक है, या ये जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं इन्हीं का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ओके, गुड बाय, हैव ए नाइस डे।